नमस्कार दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम इस तरह का जो आजकल दीपावली आने वाले हैं दोस्तों, तो तरह तरह के जो है यहाँ पर झालर आ रहे हैं और देखिए वाटर सेंसर दिया भी आ गया है मार्केट में। तो चलिए इसके बारे में हम इसकी सच्चाई आपको बताते हैं कि पानी से कैसे जलता है। तो वीडियो पर बने रहिए, अगर हमारे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल पर। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर इसको हम यहाँ पर चेक करके आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर ये जलता है पानी से कैसे है। जबकि पानी से डायरेक्ट जलने का मतलब ये नहीं है कि पानी से ही जलता है, जरूर इसमें कोई कनेक्शन होगा या कुछ बाई ट्यूटी लगा होगा जिससे ये चलता है। चलिए लाइव टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो दो छोटे छोटे स्क्रू है, जब इसको दोनों हम टच करते हैं तो यहाँ पर ये दिया जलने लगता है। मतलब ये दोनों स्क्रू जो यहाँ पर पानी जब हम डालते हैं तो पानी की धाराएँ से दोनों स्क्रू आपस में अटैच हो जाते हैं। जैसे ही अटैच होते हैं तुरंत हमारा ये दिया जलने लगता है। तो ज़रूरी नहीं है कि पानी से ही जलता है, इसके अंदर बैटरी भी लगा हो सकता है। चलिए इसको लाइव टेस्ट करते हैं। यहाँ पर खोलने के लिए इस तरह से चिमटी से इसको यहाँ पर थोड़ा सा उठाना पड़ेगा। उठाने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं जैसे इसको पलटेंगे तो यहाँ पर एक छोटा सा कैप बना हुआ है। इसमें छोटी छोटी बूटन जो होती है, छोटी छोटी बैटरी लगी हुई है, जो कि एक बैटरी 1.5 वोल्ट की, मतलब 3 बैटरी लगी हुई है सीरीज में, जिससे 3 बैटरी 4.5 वोल्ट का बन जाता है। इसी के माध्यम से हमारा जो एलईडी है इसी को ये जला रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये दो हमारा दोनों पॉइंट है, जब इसको आपस में टच करते हैं ये जलने लगता है। तो इसका मतलब ये हमारा बैटरी है। ये पानी से जलने का मतलब ये है कि ये बैटरी ही इसमें कनेक्शन किया गया है, जिससे जब इसमें पानी डालते हैं तो जलने लगता है। तो यहाँ पर इसका कनेक्शन देख सकते हैं, ये हमारा जो दो एलईडी हैं, दो यहाँ पर पिन है, एक बड़ी वाली पिन है, ये हमारा प्लस है, जो कि हमारा ये एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है जो सेंस करता है BC547। यहाँ पर देख सकते हैं BC547, ये सेंस करने का काम ये हमारा BC547 जो है ट्रांजिस्टर लगा है यही करता है। इसी से जब इसको हम टच करते हैं तो ये हमारा जलने लगता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें 3 लेग बनी हुई हैं। पहला लेग हमारा जो है ये मीटर होता है, और दूसरा बेस होता है, तीसरा कलेक्टर होता है। तो हमारा पहला वाला पिन जो है फर्स्ट वाला ये एलईडी के प्लस वाले पॉइंट से जुड़ा हुआ है, सेकंड वाला हमारा जो है इस स्क्रू से जुड़ा हुआ है, और थर्ड वाला भी दूसरे स्क्रू से जुड़ा हुआ है। दूसरा वाला जो हमारा बेस वाला है यहाँ पर है, और ये लास्ट वाला जो हमारा ये मीटर है उसको जब हम टच करते हैं जिससे हमारा एलईडी जलने लगता है। तो इसमें कुछ है नहीं, बस ये बैटरी का कमाल है, और ये हमारा सेंसर है जिससे हमारे अटैच करके चलता है। चलिए इसको हम चेक करते हैं। थोड़ा सा पानी लेते हैं, पानी लगा डाल के आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही पानी को यहाँ पर डाला जाता है तो जो हमारे दोनों स्क्रूप है आपस में पानी की धाराएं से दोनों एकत्र हो जाती हैं, जिससे हमारा ये दिया जलने लगता है। और इसमें कोई सिस्टम नहीं है कि डायरेक्ट आपको पानी से ही जलता है, इसमें सब बैटरी का कमाल है दोस्तों। तो जानकारी आशा करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी। तो वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो पूरा प्रोसेस हमारा इस बैटरी से होता है, और ये जो हमारा BC547 है ट्रांजिस्टर, ये सेंस करता है जिससे हमारा एलईडी जलता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी समझ में आएगी। तो अगर मार्केट में इस तरह का दिया आपको मिल रहा है तो ले सकते हैं, लेकिन इसकी लाइफ ज़्यादा नहीं है, बस एक दीपावली की रात की ये लाइट है, उसके बाद इसके बैटरी डाउन हो जाता है, जिससे हमको दोबारा बैटरी लगानी पड़ती है। मार्केट में आपको 1-2 रुपये मिल जाता है अगर आप चाहते हैं। तो दोस्तों, आप चाहते हैं कि इस दियो को हम घर पे बनाएं तो बना सकते हैं, बहुत सिंपल तरीका है। जैसे मान लीजिए हमारा दिया है, देख सकते हैं ये मिट्टी का दिया है, अगर इसमें आप चाहते हैं कि इस तरह का सिस्टम बना के चलाएं तो बना सकते हैं, और भी मोबाइल चार्जर से चला सकते हैं, या इस तरह का लिथियम बैटरी होता है इससे भी आप दियो को जो बनाएंगे चला सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मार्केट वाला दिया को हम इस तरह के बैटरी से चलाएं, वो भी आप चला सकते हैं, और मोबाइल चार्जर से भी इसको चला सकते हैं। जैसे इसकी बैटरी की लाइफ तो है नहीं, एक दिन चलेगा 2-4 घंटे फिर डाउन हो जाएगा, तो इसको फेंकना पड़ेगा, तो इसको फेंकना नहीं पड़ेगा, इसको आप जो है मोबाइल वाले चार्जर से कनेक्ट कर सकते हैं, या तो इस तरह का बैटरी जो है इसको आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं। जैसे हमें दोस्तों यहाँ पर इसके बैटरी को हमने यहाँ पर निकाल दिए हैं, 3 बैटरी हमारा होता है, 1 बैटरी 1.5 वोल्ट का है,
और तीनों मिला के 4.5 वोल्ट होता है। तो आप इसको चाहते हैं कि इस तरह की बैटरी चलाए इसको चार्ज करके, तो इसको दिन रात चला सकते हैं, जब आपको ज़रूरत हो तब चलाइए। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए हमारा जो बैटरी का हमारा हिस्सा गया है, ये हमारा जो LED का यहाँ पर जो हमारा बैटरी लगा था, यहाँ पर देख सकते हैं हमारा पॉजिटिव है। तो यहाँ पर हमारा पीछे जो है पॉजिटिव मतलब प्लस रहेगा, ठीक है, और जो आगे वाला यहाँ पर है ये निगेटिव रहेगा। इस तरह से लगाना है इसको, शोल्डर से आप वायर को बाहर निकाल के बैटरी को बाहर से लगा सकते हैं। चलिए मैं आपको केवल टेस्ट करके दिखा देता हूँ। इस तरह से यहाँ पर लगा दिए हैं और यहाँ पर इसको जैसे शॉर्ट करते हैं तो ये हमारा बैटरी सही से लगा नहीं है। जैसे इसको यहाँ पर दोनों लेग को आपस में करेंगे तो ये हमारा LED जलने लगता है और ये पानी से भी जलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस तरह से आप चाहते हैं मोबाइल चार्जर से चलाने के लिए, तो मोबाइल चार्जर का जो डाटा केबल होता है, इस तरह का डाटा केबल, तो उसमें जैसे मान लीजिए इस तरह का डाटा केबल है आपके पास, तो इसमें आपका जो पीछे वाला यहाँ पर जो पिन लगा रहता है, इसको यहाँ पर या तो आप कनेक्टर यहाँ पर लगा सकते हैं या तो आपका ख़राब है तो यहाँ से निकाल सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर इसका प्लस और माइनस का इस तरह के चार्जर को यहाँ पर हम चेक करके आपको दिखाते हैं कि ये कैसे चल रहा है। तो चलिए यहाँ पर इसको हम चार्जर को कनेक्ट करते हैं, उसके बाद यहाँ पर हमारा प्लस वाला है और ये हमारा माइनस वाला है। चलिए यहाँ पर हमारा जो रेजिस्टेंस बना हुआ है ये पर हमारा प्लस है यहाँ पर, तो माइनस वाला हमारा यहाँ पर। अब इसको जैसे ही कनेक्शन देते हैं और ये हमारे मोबाइल वाले चार्जर से दिया जलने लगेगा। देखिए यहाँ पर जैसे ही दोनों लोग को आपस में टच कर रहे हैं तो ये हमारा दिया जलने लगा। मतलब अगर इस तरह का बैटरी आपको बार बार ख़राब हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, तो आपको मोबाइल वाला जो चार्जर होता है उसका डाटा केबल में इस तरह का एक कनेक्टर भी आता है, इसमें इसे लगा देंगे तो आपका प्लस और माइनस का वायर निकलेगा। तो ध्यान देना है दोस्तों, जैसे आपके पास ये दिया है, देख सकते हैं ये सब दिया है, तो इसको क्या करना है, खोल लिए जैसे इसी में से आपका जो बैटरी का नेगेटिव पॉजिटिव दोनों से हमको सोल्डर करके वायर को बाहर निकाल लेना है। इसी तरह सारे दिए हैं सब में से हमको यहाँ पर होल करना होगा, दो तार जो हमारा नेगेटिव पॉजिटिव का निकल के आएगा, फिर इसमें ले जाएंगे, यहाँ से निकल के जाएगा आगे, मतलब इस तरह से आपको सारे दिए को कनेक्शन जोड़ लेना है। जब आपस में प्लस और माइनस का अंदर से जोड़ के बाहर कर लेंगे तो आप चाहेंगे तो मोबाइल वाले चार्जर्स के डाटा केबल से जोड़ के चला सकते हैं, या तो इस तरह का लिथियम आयन बैटरी होता है जो प्लस और माइनस को यहाँ पर जोड़ के आप दिन रात चलाइए। मतलब रात में आपको जैसे अगर शाम को 6 बजे बारते हैं तो रात भर ही चलेगा, तो सुबह आप बंद कर दीजिए। तो इस तरह से आपको इस तरह के बैटरी से छुटकारा मिलेगा और ये आपका हमेशा हर साल चलता रहेगा। तो दोस्तों जानकारी कैसी लगी, अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। दोस्तों इसी तरह आपको नई नई जानकारी मिलती रहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।